तो जनाब वक्त आ गया है जहां कराची वाले भी कुछ घंटों की ड्राइव पर स्नोफॉल इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको भी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ रोड ट्रिप करना पसंद है तो इंतज़ार किस बात का जनाब, अभी अलमसादी से कांटेक्ट करें और आने वाले थर्सडे की अपनी कोयटा ज़ियारत जाने वाली सीट रिजर्व करवाएं। ना सिर्फ स्नोफॉल बल्कि कोयटा और ज़ियारत का कल्चर, वहाँ का टॉप ऑफ द लाइन फूड जिसमें आता है सज्जी, रोश और हम कराची वालों की द मोस्ट फेवरेट ओरिजिनल कोयटा चाय, रात भर खाना पीना और शॉपिंग का पूरा एक कॉम्बो। हम लोग जो है वो अलमसादी फैसिलिटेटर्स के साथ जो है आज ज़ियारत में मौजूद है, बहुत जबरदस्त इनकी फैसिलिटेशन है। स्पेशली होटल फूड वगैरह चलें, थैंक यू, से तो हाईली रिकमेंड। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों ने ट्रैवल किया है अलमसादी टूर फैसिलिटेटर्स के साथ विद फैमिली, आप लोगों का कैसे टूर रहा? बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा सेटिस्फाई है, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, और जो दूसरे लोग जो ज़ियारत विजिट करना चाहते हैं फैमिलीज के लिए? बिल्कुल करें, मैं हाईली रिकमेंडेड हूँ कि आप लोग को वो बिल्कुल हायर करें ज़ियारत के लिए, हमें तो बहुत मज़ा आया। जो अलमसादी को मैंने कंसिडर किया, ये मेरा सबसे अच्छा डिसीजन था, और मेरा कोयटा ज़ियारत का जो है टूर था, और अब अभी मैं ज़ियारत में हूँ, उससे पहले कोयटा में था, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। आपकी अकोमोडेशन कैसी रही सर कोयटा की? बहुत ज़बरदस्त थी, डीलक्स मेरा रूम था बहुत अच्छे पैकेज में, और वो जो होटल था वो भी जो स्टाफ है बहुत कोऑपरेटिव है। और हम यहाँ अलमसादी की तरफ से कोयटा और ज़ियारत आए हैं वीकेंड ट्रिप पे, थर्सडे टू संडे, हम थर्सडे नाइट को निकले थे, हम यहाँ से हम आज संडे को वापस जा रहे हैं। इस टू डे ट्रिप में, वीकेंड ट्रिप में हमने बहुत सारे स्पॉट्स कवर किए, हमने कोयटा में स्टे किया, हमने ज़ियारत में स्टे किया, हमारा स्टे भी काफ़ी अच्छा था, हमारा जो अकोमोडेशन थी वो होटल काफ़ी अच्छा था, उसमें 24 आवर्स हीटर सर्विसेज थी, हमारे पास जो है वो गर्म पानी भी अवेलेबल था। ओवरऑल इन शॉर्ट इनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी है, हमारे साथ भी अगेन की कोलैबोरेटिव लोग थे अलमसादी की तरफ से, वो एक दफ्तर थे जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया हमें हर जगह पे, उनका तो बहरहाल हम जो ग्रुप टूर में आए थे, इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप इनको इनके साथ अपने टूर्स प्लान करें, इनके पास और भी ऑप्शन हैं और भी डिफरेंट स्पॉट्स कवर करते हैं, पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल करवाते हैं, इट्स रिकमेंडेड कि आप इनके साथ डिफरेंट जगहों पर ट्रैवल करें, और काफी अच्छे ऑप्शन भी अवेलेबल हैं ग्रुप टूर्स में, प्राइवेट टूर्स। अलमसादी के साथ ट्रैवलिंग जो है वो बहुत ही अच्छा तजर्बा रहा, और ज़बरदस्त सेटअप था इनका, खाना पीना रिहाइश और तफरी मकाम बहुत अच्छे हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। लोगों ने ट्रैवल किया है अलमसादी टूर फैसिलिटेटर्स के साथ, आप लोग का ऑल ओवर एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया हम लोग। कोयटा ज़ियारत और जो दूसरी फैमिलीज आना चाह रही हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल रिकमेंड करेंगे कि आएं और विजिट करें। ठीक है, आप लोग का होटल और होटल खाना सब बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। चलें, थैंक यू सो मच। अलमसादी टूर एंड ट्रैवल से आप आए हैं, आप लोगों का क्या रिव्यू है? The experience was lovely and everything was well. सही रही ज़ियारत, और कोयटा में कोई मसला तो नहीं हुआ आपको? होटल वगैरह, खाना वगैरह, डिनर? खाना के तो बहुत ही अच्छा टेस्ट था, मैं रिकमेंड करूंगा कि अपनी वेकेशन वेकेशन मनाने यहाँ पे लोग जरूर आएं। तो गाइस, इंतज़ार किस बात का, अभी अलमसादी से कांटेक्ट करें और आने वाले डिपार्चर की सीट रिजर्व करवाएं।